ऑर्गनिज्म है किस चीज से बने हैं, सेल से बने हैं। यानी कि हर एक लिविंग ऑर्गनिज्म का जो छोटा सा यूनिट जो है, बेसिक यूनिट है जो हमारे लाइफ का, वो सेल है। इसलिए सेल को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गनिज्म है वन सेल से बने हैं या एक से ज्यादा सेल से बने हैं। फॉर दिस रीजन सेल इज नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। और इसी कारण क्या कहलाता है, सेल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे सेल का डिस्कवर कौन किया है। सेल का डिस्कवर रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल का डिस्कवरी किया था 1665 में। उन्होंने पॉट के डेड सेल को माइक्रोस्कोप से स्टडी करने पर उन्होंने देखा कि सेल का कुछ इस तरह से वो पॉट के अंदर इस तरह का ब्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये क्या है, ये उन्होंने इस ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर का नाम दिया सेल। ये इन्होंने ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर जिन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा कि ये माइक्रोस्कोप से जब सेल को उन्होंने किसी चीज पॉट के सेल को लिया, पॉट के लिया एक छोटी सी पतली झिल्ली उसकी ली, तब उन्हें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसको हम लोग पार्टिकुलर तोड़ सकते हैं, जिसको हम लोग पार्टिकुलर एक स्ट्रक्चर की तरह सेपरेट कर सकते हैं। यही सिंगुलर स्ट्रक्चर को उन्होंने ये छोटे स्मॉल यूनिट जो किसी चीज का होता है उन्होंने इसका नाम सेल दिया। लेकिन सेल को उस टाइम तो जब 1665 में जब ने रॉबर्ट हुक ने जब सेल के बारे में जाना तो उस टाइम क्या होता, कंपाउंड माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं था। उस टाइम जो माइक्रोस्कोप का जो क्वालिटी था डेवलप नहीं था उसके बारे में, तो फिर हम लोग सेल के बारे में उस टाइम उन्होंने डिटेल स्टडी नहीं कर पाए ड्यू टू द हेल्प ऑफ, क्योंकि हम लोग को पता है कि सेल क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, इसके बहुत छोटे यूनिट होते हैं। इनको देखने के लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप चाहिए और डिटेल स्टडी करने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए, क्योंकि ये जितना ज़्यादा मैग्नीफाइंग कर पाएगा इस स्ट्रक्चर को तभी हम लोग जाके इसका डिटेल स्ट्रक्चर कर पाए। तो रॉबर्ट हुक ने से बताया कि सेल जो हमारे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का छोटा यूनिट क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। ऑल लिविंग आर मेड अप ऑफ सिंगुलर और मोर देन वन सेल। सो यहाँ पे से अब जब जैसे ही जैसे जब माइक्रोस्कोपिक मैग्निफिकेशन होना स्टार्ट हुआ, जैसे आज के जनरेशन में कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब डेवलप हो गया, तो सेल का स्टडी करना आसान हो गया। हम लोग सेल का स्टडी कर सके बहुत अच्छे तरह से। आज के साइंटिस्ट क्या करते हैं, सेल के स्टडी करने के लिए उसके किसी भी एनिमल्स का या प्लांट सेल को लेके उसमें क्या करते हैं, डाई कर देते हैं, दैट मीन्स उसमें कलर ऐड कर लेते हैं। कलर ऐड करने से क्या होता है, ये जो सेल का स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, क्लियर विजन होने लगते हैं माइक्रोस्कोप में। और इसके बाद जब डिटेल स्टडी किए तो दो जर्मन साइंटिस्ट ने इसका डिटेल स्टडी किया और उन्होंने सेल थ्योरी दिया 1838 में। दो जर्मन साइंटिस्ट मैथिसियन सैंडोज और थियोरो स्वैन ने 1838 में सेल थ्योरी दिया। उन्होंने बताया और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या क्या बताया ये देखते हैं हम लोग। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग थिंग्स है किस चीज़ से बने हैं, सेल से बने हैं। जस्ट लाइक ए वॉल ऑफ द ब्रिक्स ऑफ द वॉल, जैसे हमारा दीवार बना होता है ब्रिक्स की तरह, उसी तरह एक छोटा छोटा यूनिट मिलके हमारा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी प्रिपेयर्ड हुए हैं, ठीक है। ऑल सेल्स आर सिमिलर इन द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन बट नॉट आर आइडेंटिकल, दे आर डिफरेंट इन डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे सेल हैं वो क्या होता है, उनका फंक्शन लगभग सेम होता है, उनका परफॉर्मेंस लगभग सेम होता है, लेकिन उनका साइज और उनका शेप डिफरेंट होता है, ठीक है। फिर उन्होंने ये बताया कि न्यू सेल आर बॉर्न ऑन द डिवीजन ऑफ टू ओल्ड सेल। नया सेल कब बनता है, जब एक छोटा सा सेल
लिविंग ऑर्गेनिज्म डिटरमाइन इट्स स्ट्रक्चर। सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है, कैपेसिटी होता है उसके वर्क परफॉर्म करने में, या उसके जो शेप का, साइज का, जैसे छोटे बच्चे हो गए, एनिमल्स के शेप का, सब किस पर डिपेंड करता है? सेल पर डिपेंड करता है। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के पार्ट्स और उसके परफॉर्मेंस डिपेंड करते हैं सेल पे। नेक्स्ट वही कहा गया है, द वे ऑफ ऑर्गेनिज्म फंक्शन डिपेंड ऑन द वे ऑफ सेल वर्क। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कर पाता है, फंक्शन कर पाता है अकॉर्डिंग टू देयर सेल वर्क। जैसे जैसे उनका सेल वर्क करेगा वैसे वैसे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कर पाएंगे। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सेल। सेल दो तरह का होता है, एक यूनिस ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब वैसे लिविंग बींग्स होते हैं जो एक सिंगल सेल से बने होते हैं, जैसे एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, कुछ बैक्टीरियाज हो गए, यूगेला हो गया, ये सब सिंगल सेल से बने होते हैं। ये अपना जितना भी परफॉर्मेंस होता है, लाइफ एक्टिविटी, जैसे ये सिंगल सेल एनिमल है, सिंगल सेल है ये, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना होता है। ये जितना भी अपना लाइफ एक्टिविटी होता है, जैसे रिस्पायरेशन प्रोसेस तो इसी के थ्रू करेगा, डाइजेशन प्रोसेस, मतलब सारा एक्टिविटी इसी में ये एक सिंगल सेल में ही परफॉर्म कर लेता है। इसमें छोटे छोटे जो वॉल होते हैं, इसके जो सेल वॉल होते हैं, ये जो सेल होते हैं, ये जो इस तरह का मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, वो क्या करता है, इसको अप्स डाउन गैसेस को एक्सचेंज करने में, फूड एक्सचेंज करने में, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करने में, वेस्ट गैसेस को बाहर करने में, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन को गेन करने के लिए, मतलब ये सारा जितना भी एक बॉडी परफॉर्म करता है, लिविंग बॉडी को जितनी भी ज़रूरत होती है वो सारा एक सिंगल सेल में ही हो जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। बट व्हाट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। मतलब वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वैसे सेल होते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनका वर्क परफॉर्मेंस डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के अकॉर्डिंग, बहुत सारे सेल्स इनके बॉडी का जो जितना भी परफॉर्मिंग वर्क होता है, जैसे हमारे बॉडी में जितने भी परफॉर्मिंग वर्क होते हैं, डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, एक्जेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, ये सब कुछ अलग अलग सेल, हर एक प्रोसेस को अलग अलग सेल अलग अलग तरीके से अपना वर्क फंक्शन करता है। तो हम लोग क्या देखें, और सेल का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? अगर हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा यूनिट सेल होता है। बहुत सारा सेल मिलके क्या करता है, टिश्यूज बनाता है। बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाएंगे, और यही ऑर्गन मिलके क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, और यही ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है। सो हम लोग देखते हैं, एक सबसे छोटा यूनिट अगर किसी भी बॉडी पार्ट्स का होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है, तो सेल होता है। बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यूज बनते हैं जो एक ही वर्क को परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनते हैं, जैसे लीवर हो गया हमारे बॉडी में, लीवर हो गया, फिर लंग्स हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, तो ये ऑर्गन हो गया, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाता है। जैसे हमारे बॉडी में और बहुत सारा ऑर्गन मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया, रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाया, तो इस तरह से बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सिलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सब मिलके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पे, और सबका वर्क अलग अलग होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशंस एंड द शेप एंड साइज। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स हैव
जॉब होता है परफॉर्म करने के लिए। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गनिज्म है उनमें सेल का अलग अलग परफॉर्मेंस होता है, उसको परफॉर्म करते हैं। दे हैव अ डिफरेंट शेप, वो अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे नर्वस सेल हमारे मैसेज, वो लगभग एक हमारे बॉडी में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, लगभग 1 मीटर का होता है। वो नर्वस सेल होता है हमारे बॉडी में जो क्या करता है, मैसेज को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। उसी तरह मसल सेल्स क्या होता है, मसल सेल्स के कारण ही हमारा ये जो फिंगर है, हमारा जो स्किन है क्या होता है, एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब सिकुड़ता है और फैलता है। तो हर एक सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। और हमारे ब्लड में जैसे WBC प्रेजेंट पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल, जो क्या करता है, वो जो हमारे बॉडी में जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है, मतलब कोई भी अनवांटेड जर्म्स हमारे बॉडी में अगर आ जाता है तो उसको मारने का, उसको डिस्ट्रॉय करने का, उसको खत्म करने का, हमारे बॉडी में नुकसान नहीं पहुंचा सके, उसको हेल्प नष्ट करने का काम WBC करता है, रेड ब्लड सेल करता है। उसी तरह अगर हम लोग देखें प्लांट सेल लोकेट इन आउटर पार्ट ऑफ द स्टेम इन द स्टेम्स ऑफ प्लांट। प्लांट का जो सेल होता है वो बाहरी ओर होता है, क्यों, क्योंकि वो प्रोटेक्शन दे सकता है, एक कवच के रूप में एक आउटर प्रोटेक्शन दे सकता है, देता है प्लांट को। दी सेल हैव अ थिक वॉल सेल सपोर्ट, ये क्या करता है, एक सपोर्ट देता है। सम सेल इन अ प्लांट आर यूज टू स्टोर फूड, कुछ सेल जो होते हैं प्लांट्स के क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। दी सेल्स आर लार्जर देन अदर सेल, और जो सेल्स प्लांट में फूड को स्टोर करते हैं वो लार्जर होते हैं अदर सेल से। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ड्स, किसी भी सिंगल वर्ड, अगर हम लोग वर्ड देखते हैं, किसी भी पक्षी को देखते हैं, उसका जो एक होता है वो एक यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेल होता है, मतलब एक सिंगल सेल होता है। जो एक किसी भी पक्षी का एक जो अंडा होता है वो एक सेल होता है, मतलब एक सेल ही होता है, जो क्या कह रहे हैं। और सबसे बड़ा सेल किसका होता है, ऑस्ट्रिच का, मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा सेल है, जो 170 मिलीमीटर × 130 मिलीमीटर होता है। इसका जो थिकनेस होता है शुतुरमुर्ग का अंडे का, इतना मिलीमीटर से इतना मिलीमीटर तक होता है। और सबसे छोटा अगर सेल का बात किया जाए तो वो स्मॉलेस्ट सेल बैक्टीरिया सेल होता है। अब सबसे बड़ा सेल अगर हम लोग बोले तो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, अगर सबसे छोटा सेल होता है तो बैक्टीरिया होता है, जिसका डायमीटर कितना होता है, 0.001 मिलीमीटर से 0.0005 मिलीमीटर तक ही होता है। मतलब सबसे छोटा बैक्टीरिया सेल अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है तो बैक्टीरियल सेल होता है। सबसे बड़ा सेल क्या होता है, ऑस्ट्रिच एक होता है। एप्रोक्स हमारे बॉडी में भी बहुत सारे सेल है, तो हमारे बॉडी का सबसे छोटा सेल, रेड ब्लड सेल है, जो लगभग जिसका डायमीटर लगभग 0.007 मिलीमीटर होता है, 7 मिलीमीटर होता है। और कुछ ऐसे टिपिकल सेल भी हमारे बॉडी में पाए गए हैं जिसका, उसके अलावा जो हमारे बॉडी में जो सेल है उनका डायमीटर अप्रॉक्स 0.02 मिलीमीटर के अप्रॉक्स होता है। इट कैन बी सीन थ्रू द पावरफुल माइक्रोस्कोप, जिसको हम लोग सिर्फ पावरफुल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं। एक फाइबर, ये क्या, इन प्लांट में जैसे जूट में हो गया, हेम्प में हो गया, फाइबर सेल पाया जाता है, जो कैसा स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, जैसे जूट के प्लांट में, फिर हेम्प के प्लांट में, जितने भी फैब्रिक प्लांट्स जिसको हम कह सकते हैं, उसमें थ्रेड लाइक सेल्स पाए जाते हैं। अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गनिज्म, अमीबा होता है यूनिसेलुलर ऑर्गनिज्म होता है, इस तरह का ऑर्गनिज्म होता है, जिसका क्या होता है, इसका कोई भी शेप साइज नहीं होता है, ये डिफरेंट शेप और साइज में होता है। ये अपने खाने को लेने के लिए, एक्सेसन करने के लिए, ये इस तरह से अपने आप को मोड़ लेता है और इस खाने को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर डाल देता है। तो वो अपना शेप अपने अकॉर्डिंग
ये अमीबा का ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये अपने आप को अपने सेप और साइज को चेंज करने के कारण ये अपने आप को डिसअपीयर और अपीयर कर सकता है कहीं भी, मतलब अपने आप को छिपा भी सकता है और अपने आप को विजुअल भी कर सकता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे कि एक सेल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है। सो आप लोग यहाँ तक आप घर पे आप लोग इस चैप्टर का रीडिंग डालिए, हार्डवर्क फाइंड आउट कीजिए और उसको अंडरलाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।